यह सवाल सिर्फ प्रतिमा हटाने का नहीं है, सवाल यह है कि पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी प्रतिमाएं लगी हैं उस किसी भी प्रतिमा को लगाने के लिए इतना संघर्ष नहीं किया गया जितना संघर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए किया गया, जेल भरो आंदोलन किया गया। अगर आप महात्मा गांधी जी की तस्वीर की बाबा साहब से की प्रतिमा से तुलना करते हैं तो बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि जब महात्मा गांधी की तस्वीर लगी कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कोई जेल भरो आंदोलन नहीं हुआ, परंतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जब स्टैचू लगी तो बीपी मौर्या साहब के निर्देशन में दिशा निर्देश में पूरे भारत के अंदर जो है ये आंदोलन हुआ, तब जाके मूर्ति लगी और ये मूर्ति कोई खैरात में नहीं मिली हुई नहीं है। ये आप ये देखिए कि जिस संविधान से पार्लियामेंट चलता है, जिस संविधान से कलाकंद खाने वाले 131 सांसद बैठे हैं वो सारे आज मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। और ये सवाल सिर्फ ये नहीं कि बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी ना, अगर पूरी दुनिया में भारत का पार्लियामेंट और भारत का लोकतंत्र जाना जाता है तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, किसी अन्य के साथ नहीं जाना। तो ये डिमांड तो आप ही की थी कि नए संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए, वो लगा तो रहे। देखिए हमें गुस्सा किस बात का, ना तो हमने ये डिमांड की कि नया संसद भवन बने, जब आप ये सवाल करते हैं नया संसद भवन तो मेरी आपत्ति है, डिफामेशन सूट फाइल करूंगा मैं सबके खिलाफ। नया संसद भवन नहीं, ये जो है एक असली संसद भवन है और एक नकली संसद भवन। एक असली संसद भवन वो है जिसके अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपनी उंगली की हुई थी कि ये पॉलिटिकल पावर है। और आज मैं बताऊं कि चप्पल पहनने वाला शेड्यूल कास्ट भी अंबेडकराइट भी छाती चौड़ा के अपने बच्चों को लेके जाता था, क्योंकि मैंने जो क्रांति या सामाजिक संघर्ष सीखा वो 14 अप्रैल की उन गलियों से सीखा है जहाँ हमारे लोग साहित्य बांटते हैं, जहाँ हमारा गेट टुगेदर होता है। मेरे लिए मैं कोई त्यौहार नहीं बनाता, लेकिन मेरे लिए जो त्यौहार है वो 14 अप्रैल की पार्लियामेंट स्ट्रीट पे बनता है त्यौहार, वो 6 दिसंबर की पार्लियामेंट स्ट्रीट पे त्यौहार बनता है। तो जब आप कहते हो कि पुरानी पार्लियामेंट और नई पार्लियामेंट, असली पार्लियामेंट और नकली पार्लियामेंट, जिस नकली पार्लियामेंट का उद्घाटन पंडों पुरोहितों ने किया हो, जिसके अंदर बुद्धिस्ट ना हो, जिसके अंदर मुस्लिम ना हो, जिसके अंदर क्रिश्चियन ना हो, जिसके अंदर आदिवासी ना हो, जिसके अंदर हर प्रतिनिधित्व का भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का प्रतिनिधि ना हो, मैं उस पार्लियामेंट का विरोध करता हूँ। सबसे बड़ी बात जब आप कहते हैं नई पार्लियामेंट, वो नई पार्लियामेंट बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के चल रही है, वो पार्लियामेंट को क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऑपरेट करने के लिए नहीं मिला है। और यही कारण है कि जब वो दो पार्लियामेंट के अंदर जो सुरक्षा में सेंध हुई वो इनकम्प्लीट सर्टिफिकेट और अनकम्प्लीशन सर्टिफिकेट की वजह से हुई। अच्छा, इसमें भी घालमेल है। ये घालमेल क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है नई पार्लियामेंट का, आज भी काम चल रहा है उसमें, उसमें एनओसी नहीं मिली हुई और सुरक्षा में जो सेंध हुई वो कहीं ना कहीं इस कारण से हुई। और मैं बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो स्टैचू है उसे हटाने का षड्यंत्र कैसे रचा गया, शायद आपको ये बात ना पता हो। एक मैं अंदर की बात बता दूं कि पहले पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी थी वो 3 चरणों में होती थी, अंदर जो था पार्लियामेंट्रियन जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी होती थी, उसके बाद सीआईएसएफ या सीआरपीएफ और सबसे बाहर दिल्ली पुलिस। अब जो है ना तो पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी है, ना ही दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट सिक्योरिटी की कोई सुरक्षा एजेंसी है। अब पूरी की पूरी पार्लियामेंट सीआईएसएफ के हाथों में दे दी गई है, और यह देने का कारण यह है कि किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पार्लियामेंट पे कब्जा किया जाए। और सीआईएसएफ के हाथ में पूरी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी देने के बाद जब रात को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की स्टैचू हटाते हैं तो उसका इनको यह अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अनुसूचित जाति के लोग जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है अपना धरना प्रदर्शन और विरोध करें। तो अब क्या रणनीति रहेगी आगे अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती? देखिए, आप मुझसे व्यक्तिगत अगर मेरे वकालत के पेशे के बारे में पूछे हैं, समाज के पेशे के बारे में पूछे हैं, तो अगर मैं बता दूं कि समाज होने के नाते रणनीति का जो ट्रेलर है वो कल से आपको दिखाना शुरू हो जाएगा, और पूरे भारत के हर गली हर कस्बे हर चौराहे पे आप यकीन मानिए कि बाबा साहब को मानने वाले जो 1965 में आंदोलन हुआ था वो 2024 में भी आंदोलन होगा। और अगर आप वकालत के नाम से पूछते हैं, इस प्रोफेशन के नाते मुझसे पूछते हैं, तो मैं बता दूं हम वो पीढ़ी है, हम वो कौम है जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की स्टैचू लगवा दिया। तो ये तो फिर भी पार्लियामेंट है, और इसकी लड़ाई हम जब तक लड़ेंगे जब तक पार्लियामेंट की स्टैचू पुनर्स्थापित नहीं की जा सकती। अदरवाइज लीगल फ्रेटर्निटी का होने के नाते मैं उन सभी लोगों पर SC ST एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा दर्ज करूंगा जिन लोगों ने बिना परमिशन के, बिना पार्लियामेंट को कॉल किए हुए, बिना स्पीकर की परमिशन के, बिना अमेंडमेंट किए हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की स्टैचू। इतना गुस्सा किस बात? नहीं, गुस्सा नहीं है ये, गुस्सा तो आपको सैलाब अभी नजर आएगा, ये गुस्सा नहीं है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ।
मैं बता रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बच्चे इतने कमजोर नहीं है कि आप रातों रात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की स्टैचू को वैंडलाइज कर दे और हम शांत बैठ रहे हैं। शांत नहीं बैठेंगे। मैं बता रहा हूँ कि महकती रुख को गुलाब कर देंगे हम, इस बात सबका हिसाब कर देंगे। और रहने दे पैमाने के अंदर ही साकी, वरना एक बूंद से शहर का पानी खराब कर देंगे। तो जितने ये एडवोकेट हैं, ये एडवोकेट ने भारत के अंदर पहले भी क्रांति की थी, 2 अप्रैल में भी साथ रहे थे और अब भी साथ हैं और हमेशा इस संघर्ष को लड़ने के लिए तैयार।